अब आप एक सीमा से ज्यादा कैश अपने पास नहीं रख सकेंगे। जी हां, सरकार कैश रखने की सीमा तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के सुझावों पर सरकार गंभीर है। अगर सिफारिशें मानी गई तो 15 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकेंगे। ब्लैक मनी रोकने पर सरकार एक और बड़ा कदम उठा सकती है। पहले 500 और 1000 के पुराने नोट पर रोक के बाद सरकार कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के सुझावों के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार 3 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन पर बैन लगा सकती है। साथ ही सरकार कैश रखने की सीमा भी 15 लाख रुपए तक कर सकती है। एसआईटी ने ही कंपनियों और इंडिविजुअल्स के लिए कैश रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी। कैश रखने की सीमा तय करने से पहले सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि टैक्स अधिकारी लोगों को परेशान ना करें। 3 लाख रुपए कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट तय करके सरकार बैंकिंग सिस्टम के जरिए ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, चेक या ड्राफ्ट के जरिए ट्रांजैक्शन होने से टैक्स की चोरी रोकी जा सकेगी। साथ ही ब्लैक मनी पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इंसेंटिव का ऐलान भी किया है। कैश ट्रांजेक्शन की सीमा तय करके सरकार ब्लैक मनी पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। संतोष, पहले डीमोनेटाइजेशन और अब डीमोनेटाइजेशन के बाद तमाम तरीके सरकार यहां पर अपना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी को कर्ब किया जा सके। और अभी जो ये कदम उठाने की बात यहां पर हो रही है कि आप 3 लाख से ज्यादा का कैश अपने पास नहीं रख सकते, ये बहुत अच्छा कदम शायद आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। देखिए, दरअसल जो एसआईटी बनाई ही गई थी कि ब्लैक मनी को कैसे कर्ब किया जाए, इसके मामले में जस्टिस एमबी शाह के नेतृत्व में बनाई गई थी। और इन्होंने जो 5वीं अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, उस रिपोर्ट में इन्होंने साफ साफ कहा है कि 15 लाख रुपए से ज़्यादा, चाहे आप कॉरपोरेट, चाहे आप व्यवसाय करते हो या फिर इंडिविजुअल हैं, अपने घर में 15 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखते हैं तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स के बड़े अधिकारियों को इसके जो आसपास के हैं उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रख सकते हैं। साथ ही जो 3 लाख रुपए तक का जो ट्रांजेक्शन है वो आप कैश के दायरे में कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर के जितने ट्रांजेक्शन है आपको बैंक के थ्रू करने पड़ेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये एक तरीके से समझना चाहिए कि जो ब्लैक मनी को, जिस तरीके से सरकार ब्लैक मनी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसी की तरफ एक और कदम सरकार का माना जा रहा है। जी बिल्कुल, एक कदम और यहाँ ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए सरकार की तरफ से माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम अपडेट के लिए।